नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग दोस्तों? आज हम इस वीडियो के अंदर सैमसंग का एक न्यू वर्सन एफ जो सीरीज वो उस सीरीज के बारे में बात करेंगे, सैमसंग गैलेक्सी F41 फ़ोन के बारे में। तो इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे उस फ़ोन का स्पेसिफिकेशन क्या होगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों पहले बात करते हैं फ़ोन का डिस्प्ले के बारे में। दोस्तों इसके अंदर आपको एक 6.5 इंच का एक सुपर अमोलेड डिस्प्ले मिल जाता है, न्यू टेक्नोलॉजी मतलब कि 5 और डिज़ाइन के साथ। उसके रेजोल्यूशन होगा फुल HD प्लस। आपको पता है कि सैमसंग का जो डिस्प्ले क्वालिटी है वो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि उसमें आपको सुपर अमोलेड पैनल मिल जाता है जो देखने के लिए बहुत ही अच्छे है। दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं फ़ोन का प्रोसेसर के बारे में। दोस्तों इस फ़ोन के अंदर सैमसंग का खुद का प्रोसेसर सैमसंग एक्जिनो ऑक्टा 9611 मिल जाता है, जो कि एक ऑक्टा कोर प्रोसेसर है। एंड वो क्लॉक है 2.3 GHz के अंदर, जो कि ठीक ठाक है। यदि स्नैपड्रैगन होगा तो बेटर हो सकता था। तो देखते हैं किस प्राइस के अंदर वो लॉन्च करेगा फ़ोन को। तो दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं फ़ोन का बैटरी बैकअप के बारे में। दोस्तों इस फ़ोन के अंदर आपको 6000 mAh आपका बड़ा सा बैटरी बैकअप मिल जाता है। एंड इसमें आपको फास्ट चार्जर 25 वाट का सपोर्ट मिल जाएगा आउट ऑफ द बॉक्स। तो फिलहाल जो भी जो सैमसंग फ़ोन आ रहे हैं तो उस फ़ोन के अंदर कंपनी 5000 से ज़्यादा बैटरी आपको प्रोवाइड करता है, जो कि एक अच्छी बात है। नेक्स्ट बात करते हैं फ़ोन के कैमरे के बारे में। दोस्तों इस फ़ोन के अंदर आपको पीछे के साइड 4 कैमरा सेटअप मिल जाते हैं। जो पहला कैमरा है वो है 64 MP का, जो फ़ोन का मेन कैमरा है। दूसरा होगा 8 MP के, जो फ़ोन का अल्ट्रा वाइड कैमरा है। तीसरा होगा डेप्थ सेंसर के लिए। एंड चौथा 2 MP आपको मैक्रो लेंस मिल जाता है। तो सैमसंग का कैमरा लगभग ठीक ठाक ही काम करता है। एंड आपको आगे साइड एक सिंगल कैमरा मिल जाता है 5 और डिजाइन के साथ, जो कि 32 MP का मेन कैमरा। तो दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं फ़ोन का सिक्योरिटी के बारे में। दोस्तों इस फ़ोन के अंदर आपको एक साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट मिल जाता है, जो कि फिलहाल ट्रेंडिंग चल रहा है। एंड इसमें आपको आगे साइड आपको फेस अनलॉकिंग फीचर मिल जाता है, जो फिलहाल ट्रेंडिंग चल रहा है। तो दोस्तों अभी बात करते हैं फ़ोन का लॉन्च डेट एंड प्राइस के बारे में। तो दोस्तों जो फ़ोन का बेस वेरियंट होगा 464, उसका प्राइस लगभग अराउंड आपको 15,990, लगभग 16,000 अप्रोक्सीमेटली आपको मिल सकता है। एंड जो लॉन्च डेट पर मैं बात करेंगे तो इस फ़ोन आप अक्टूबर महीने में लॉन्च हो सकता है। देखते हैं कंपनी कभी लॉन्च करता है प्रोडक्ट को किस प्राइस रेंज के अंदर। एंड दोस्तों आप यदि इस फ़ोन के बारे में ऑल में डिटेल में जानना चाहते हो तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप और भी डिटेल इस फ़ोन के बारे में जान सकते हो। तो दोस्तों आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दे। एंड अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को ऑल में दबा देना, ताकि हमारे वीडियो का पहला नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच सके।